हेलो दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आपको डेस्कटॉप की हॉट टेस्टिंग कराऊंगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी सप्लाई बनती है और किस तरह से बनती है। ठीक है भाई, तो स्टार्टिंग हम करेंगे बीआरएम सेक्शन से। कौन सा सेक्शन? बीआरएम सेक्शन। अब बीआरएम सेक्शन में क्या होता है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे बीआरएम सेक्शन से। यानी कि अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप का बोर्ड आता है और उसके वीआरएम सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो उसको आप किस तरह से रिपेयर करोगे। ठीक है, तो वीआरएम सेक्शन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये आपका वीआरएम सेक्शन है। सीपीयू सॉकेट के नियर बाय ये पूरा सेक्शन आपका वीआरएम सेक्शन है। इसमें क्या होता है, इसकी इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई ये हमें चेक करनी होती है। इनपुट सप्लाई जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 12 वोल्ट। ये आपके ATX 12 वोल्ट पावर कनेक्टर से आएगी, ये 12 वोल्ट आपको मिलनी चाहिए। आउटपुट सप्लाई जो होती है उसको हम बोलते हैं कोर वोल्टेज। कौन सी? कोर वोल्टेज। कोर वोल्टेज ये आपकी 1.2 से 1.9 होती है। फिर होते हैं MOSFET के गेट। गेट पे 4 से 12 वोल्ट आती है गेट इनेबल होने के लिए। MOSFET का गेट इनेबल नहीं होगा तो आउटपुट सप्लाई आपको जो ये है 1.2 से 1.9 ये आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इस सेक्शन से प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम इससे यही आएगी कि आपका CPU वर्क नहीं करेगा। और CPU वर्क नहीं करेगा तो अगर आप डायग्नोस्टिक कार्ड लगाओगे तो डायग्नोस्टिक कार्ड का एरर कोड 4x0 होगा। तो अब यही सेम कंडीशन हम बोर्ड में देखेंगे कि बोर्ड में ये सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। हमने बोर्ड को ऑन किया, प्लग लगा देते हैं। ये हमने बोर्ड ऑन कर दिया। ठीक है, मीटर आपका डीसी पे सेट रहेगा। ठीक है, 20 वोल्ट डीसी पे आप सेट कर लोगे क्योंकि हाईएस्ट जो सप्लाई आती है वो 12 वोल्ट आती है। ये ATX 12 वोल्ट का कनेक्टर है, येलो कलर की जो वायर होती है इसमें आपको 12 वोल्ट मिलेगी। यहाँ पर आप चेक करोगे आ रही 12 वोल्ट जी सर। ठीक है, यही 12 वोल्ट सप्लाई आपके प्राइमरी MOSFET के ड्रेन पर जाएगी। यहाँ पर आप आ जाओ, ये इधर चेक कर लो, आ रही है MOSFET के ड्रेन पर 12 वोल्ट। ठीक है, और यही MOSFET जो आउट करेगा, MOSFET सोर्स से आउट करेगा। कहाँ पे आउट करेगा? सेकेंडरी MOSFET के ड्रेन पे। ये हमने सेकेंडरी MOSFET का ड्रेन लगाया और यहाँ पे देखो आपको 1.2 से 1.9 के बीच में सप्लाई मिलनी चाहिए। 1.2 आ रही है, यानी कि प्रॉपर आउटपुट भी ये दे रहा है। अब हम बात करते हैं गेट की। अब जो प्राइमरी का गेट है इसको इनेबल होने के लिए सप्लाई मिलती है बीआरएम आईसी से। प्राइमरी MOSFET का गेट इनेबल हो रहा है 2.5 वोल्ट पे। ठीक है, प्राइमरी MOSFET का गेट इनेबल हो रहा है 2.5 वोल्ट पे। सेकेंडरी MOSFET का जो सोर्स होता है ये होता है ग्राउंड। यहाँ 0-0 हो गया, यानी कि अगर हम बात करते हैं सर्किट कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया प्राइमरी, इस पर आपको मिलेगी 12 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया गेट, यहाँ पे आपको 2.5। ये हो गया सेकेंडरी, यहाँ पे मिलेगी आपको 1.2 से 1.9। और सेकेंडरी का जो सोर्स होता है वो ग्राउंड होता है। यानी अगर जब आप सेकेंडरी का सोर्स चेक करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी सप्लाई नहीं मिलेगी, 0-0 होगा। यानी कि अगर ये कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है तो आपका बीआरएम सेक्शन ओके है। प्रॉब्लम क्या क्या आएगी, प्रॉब्लम इससे ये आएगी कि आपका बीआरएम सेक्शन सॉर्टिंग में जा सकता है। सॉर्टिंग में जाएगा तो ये जो फैन है, ये जो चल रहा है ना, ये कंटिन्यू चलेगा नहीं, ये हल्का सा घूमेगा और बंद हो जाएगा। आप इस कनेक्टर को हटाओ फिर ऑन करो। अगर फैन प्रॉपर चल रहा है तो आपका बीआरएम सेक्शन सॉर्टिंग कंडीशन में है। अगर MOSFET इन कर रहा है, आउट नहीं कर रहा है, तो उसके गेट पर आप सप्लाई चेक करोगे। गेट पर सप्लाई नहीं आ रही तो आप वीआरएम आईसी पर काम करोगे, वीआरएम आईसी चेंज करोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आएगी और इसका सॉल्यूशन करना है। या समटाइम क्या हो रहा है, जब सप्लाई ज़्यादा आने लगती है, जब सप्लाई ज़्यादा आएगी तो सीपीयू आपका बार बार रीस्टार्ट होगा, चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा। आप क्या करोगे, पेस्ट वगैरह सारा लगाओगे। पेस्ट लगाने पर भी प्रॉब्लम सेम है तो आप आउटपुट की सप्लाई चेक करोगे, यहाँ पर आपको 2 से 3 या 5 वोल्ट मिलेगी। ये कंडीशन होती है जब आपका कैपेसिटर लीकेज कंडीशन में चला जाता है तो सीपीयू को भर भर के सप्लाई भेजता है।
ठीक है, तो जिस कंडीशन में आपका सीपीयू ओवरहीट होगा और सिस्टम आपका बार बार रीस्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम वीआरएम सेक्शन को रिपेयर करते हैं। इनपुट सप्लाई प्राइमरी मॉस्फेट का ड्रेन, आउटपुट सप्लाई सेकेंडरी मॉस्फेट का ड्रेन, ठीक है। तो ये हो गया वीआरएम सेक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, रैम सेक्शन की। रैम सेक्शन से अगर आपका फॉल्ट होएगा तो कोडिंग आएगी C1, C0 या E1, E0, ये डायग्नोस्टिक कार्ड का एरर कोड होगा। इस कंडीशन में आपने सबसे पहले क्या करना है, रैम के ऊपर आपको आउटपुट सप्लाई चेक करनी है। कौन सी आउटपुट सप्लाई? ये अकॉर्डिंग ऑफ रैम होगी, जैसे कि DDR2 है तो 1.8, DDR3 है तो 1.5। तो यहाँ पे जो रैम लग रही है वो आपकी कौन सी लग रही है, DDR2। तो हम इस तरह से इसकी आउटपुट सप्लाई रैम के ऊपर जो कंपोनेंट लगे होते हैं उस पर आपको ये सप्लाई मिल जाएगी। ये आ रही 1.9 आ रही है, 1.8 होना चाहिए, मीटर 0.1 एक्स्ट्रा दिखा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात। यानी कि आउटपुट सप्लाई बन रही है तो आपका रैम सेक्शन ओके। डायरेक्ट आप आउटपुट सप्लाई चेक करो। अगर ये आउटपुट सप्लाई नहीं बन रही है तब हम इसकी इनपुट सप्लाई चेक करेंगे। इनपुट सप्लाई जो आती है ये रही मॉस्फेट के ड्रेन पे आएगी आपकी 5 वोल्ट आ रही है, और आउटपुट सप्लाई ये आउटपुट के मॉस्फेट पे आ जाएगी 1.9। इसमें भी आईसी लगी होती है जो रैम के मॉस्फेट के गेट को कंट्रोल करती है। एरर कोड बस याद रखना, उसी के हिसाब से काम होता जाएगा, ठीक है। रैम सेक्शन से प्रॉब्लम क्या आएगी, समटाइम क्या होता है, वैसे दिक्कत तो इससे नो डिस्प्ले की आती है, ठीक है, डिस्प्ले आपके सिस्टम में नहीं आएगी। कभी कभी क्या होता है कि रैम की सप्लाई तो बन रही होती है फिर भी यही एरर कोड आ रहा होता है। अब इस कंडीशन में क्या करोगे, अब इस कंडीशन में रैम स्लॉट के नियर बाई जो पैकेज रजिस्टर लगे होते हैं 22, 33, 44 ओम के रजिस्टर होते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पे लग रहे हैं ये पैकेज रजिस्टर लग रहे हैं। हाँ, अगर ये ख़राब हो जाएंगे ना तब भी डिस्प्ले नहीं आएगी। रैम की आपकी सप्लाई तो बनेगी लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में हम इस सेक्शन को चेक करेंगे, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपका चिपसेट सेक्शन। इसकी जो इनपुट होती है 3.3 या 5 वोल्ट होती है, और जो आउटपुट होती है 1.25 से 2.5 वोल्ट होती है। ये सप्लाई आपकी GMCH और ICH IC को वर्क करने के लिए दी जाती है, ठीक है। चिपसेट सेक्शन आपका ये रहा, ये आउटपुट सप्लाई बन रही है, ठीक है, और यहाँ पे इसके इनपुट चेक कर लो, इस मॉस्फेट पे आएगी 5 वोल्ट इन कर रही है, और ये आपके 1.2 ये IC को वर्क करने के लिए दी जा रही है। दोनों IC हीट हो रही है, यानी कि IC को सप्लाई मिल रही है, IC प्रॉपर काम कर रही है। अगर ये सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो आपके GMCH या ICH IC वर्क नहीं करेगी। जिस IC को सप्लाई नहीं जाएगी वो IC वर्क नहीं करेगी, बोर्ड डेड भी हो सकता है, नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो 3 सेक्शन है, ये 3 सेक्शन पहले चेक करो आप लोग खुद से, ठीक है, उसके बाद आगे बताता हूँ।